हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि एनिमेशन क्या है और एनिमेशन कोर्स क्या है और इसमें आप कैसे करियर अपना बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि एनिमेशन क्या होता है। तो एनिमेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, लेआउट्स बनाना और फोटोग्राफिक सीक्वेंस की प्रिपरेशन करना ही इम्पोर्टेंट है, जिसे कि बाद में मल्टीमीडिया या किसी गेमिंग प्रोडक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें स्टिल इमेज को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लोइट और मैनेज किया जाता है जिससे इसके मूवमेंट होने का इल्यूजन पैदा हो। इसमें मोशन का इल्यूजन पैदा करने के लिए उन इमेज को जल्दी जल्दी डिस्प्ले किया जाता है और यह इमेज बहुत कम अलग होते हैं एक दूसरे से। जब कंटिन्यूसली हम इनको इस थ्री इमेज को एक सीक्वेंस में देखें तो हमें एक वीडियो एनिमेशन की तरह लगता है जिसमें कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट कर रहे हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेशन कोर्स क्या है और इसके बारे में इसमें आप करियर कैसे बना सकते हैं। तो एनिमेशन कोर्स उन कोर्स को कहा जाता है जिसमें छात्रों को एनिमेशन से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें एनिमेशन सॉफ्टवेयर के साथ परिचित भी करवाया जाता है जिससे उन एनिमेशन के डिज़ाइन बनाने में सुविधा हो उनको। इसके अलावा उन्हें मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से शिक्षित किया जाता है जिससे कि कोर्स के समाप्ति पर उन्हें उनके दक्षता के आधार पर जॉब मिल सके। इसलिए एनिमेशन फील्ड में जॉब के लिए एनिमेशन कोर्स का करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं एनिमेशन कोर्स के कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो एनिमेशन सीखने के लिए बहुत से अलग अलग प्रकार के कोर्स उपलब्ध है, लेकिन यदि हम ऑफिशियल कोर्स के बारे में जाने तो तब ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है एनिमेशन डिग्री कोर्स, दूसरा होता है एनिमेशन डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा और डिग्री, जहाँ डिप्लोमा कोर्स 1 साल का होता है वहीं डिग्री कोर्स 3 साल का होता है। तो एनिमेशन डिग्री कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसमें एडमिशन के लिए छात्रों का 12th पास होना ज़रूरी है तथा 12th में 45% मार्क्स या उससे ज़्यादा होना आवश्यक है। कंपटीशन को देखते हुए कुछ कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना पड़ता है। आपको इसके लिए पहले ही अप्लाई करना होगा। इसमें आप कोर्स चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लेंगे जिन्हें आप अपने चॉइस के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनिमेशन डिप्लोमा कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ मैंने बताता हूँ कि इसमें एडमिशन के लिए छात्रों का 10th पास होना आवश्यक है और 10th में 45% मार्क्स या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। कंपटीशन को देखते हुए कुछ कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपको इसके लिए पहले से ही अप्लाई करना होगा। इसमें आप कोर्स चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को सीखने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए। यदि आपने सच में एनिमेशन सीखने का पूरा मन बना लिया है तब ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत ही रिवॉर्डिंग कैरियर बन सकता है। अगर आपने इसमें अपना पूरा मन देकर मेहनत की तब कोर्स के हिसाब से आप किसी मान्यता बोर्ड से 10th या 12th की पढ़ाई कर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको इस कोर्स में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन स्किल होना, आपका बढ़िया ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए, ज़्यादा क्रिएटिव हो आप। इसमें ड्राइंग स्केचिंग स्किल का होना आपको मदद कर सकता है, तो आपको ड्राइंग और स्केचिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो सही है। सबसे इम्पोर्टेंट कि पेशेंस और कंसंट्रेशन होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बना रहे कैरेक्टर के एबिलिटी को ठीक से समझना और उसमें खो जाना होगा आपको जो चीज़ आप बना रहे हो। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना, आपको बातचीत का सही से होना ज़रूरी है। बेहतर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्किल का होना, यानी आपको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। अंतिम और सबसे ज़रूरी चीज़, सही टीम वर्क एबिलिटी का होना ज़रूरी है। अब बताता हूँ कि एनिमेटर्स कितना कमाते हैं। एनिमेशन एक बहुत ही ज़्यादा डेजलिंग कैरियर ऑप्शन है। इन हाउस की ट्रेनिंग एक लीडिंग एनिमेशन प्रोडक्ट स्टूडियो में करने के बाद एक कैंडिडेट एक जूनियर एनिमेटर के हिसाब से काम कर सकता है जिसके उसकी सैलरी 12,000 से 18,000 के बीच रहती है। जैसे जैसे एक एनिमेटर एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस गेन करता है तभी ही इसी
बड़े आराम से अच्छे प्रमोशन और सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 25,000 से 40 लाख यानी कि 40,000 तक हो सकती है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप एजुकेशन सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। सभी को मालूम है कि हम इंसान वीडियोज़ और इमेज को ज़्यादा ध्यान रखते हैं टेक्स्ट की तुलना में, इसलिए एनिमेशन के इस्तेमाल से एजुकेशन पर्पस में बच्चों को बेहतर चीज़ें समझाया जा सकता है और ये उन चीज़ों को ठीक से समझने में मदद करेगा। दूसरा, एंटरटेनमेंट। एनिमेशन का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट में बहुत होता है, खासकर कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तीसरा, एडवर्टाइजमेंट। कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करवाती है और इनका इस्तेमाल करती है। इन एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए उसमें एनिमेशन का इस्तेमाल होता है। चौथा, मार्केटिंग। एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी लाता है मार्केटिंग में, जिससे वो आपको ज़्यादा डेमो ग्राफिक्स तक पहुँचने में मदद करता है। पाँचवा, इन साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। इनका इस्तेमाल एक्यूरेट और रिप्रेजेंटेटिव साइंटिफिक विजुअलाइजेशन बनाने के लिए किया जाता है। रिसर्च और एनालिटिकल स्टूडियो के साथ ही इसे आप 3D मॉडल्स में भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मेडिकल स्टूडियोज में। छठे की बात करें तो क्रिएटिव आर्ट्स। मोशन ग्राफिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल क्रिएटिव आर्ट में बनाने का इस्तेमाल होता है। और सातवां, जो सबसे अच्छा, गेमिंग। बिना एनिमेशन के तो गेमिंग इंडस्ट्री की कल्पना भी करना संभव नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सभी चीज़ों के लिए एनिमेशन की ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी 3D कैरेक्टर हो गेम का या कोई शॉर्ट वीडियो हो। आठवें में सिमुलेशन। सिमुलेशन का इस्तेमाल उन जगहों में किया जाता है जहाँ लोगों को रियल लाइफ ट्रेनिंग का डेंजरस होता है और उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए पायलट सिमुलेशन, फाइट लाइट चलाने के लिए, इससे कैंडिडेट को सच में फ्लाइट चलाने के आभास होता है, साथ में उन्हें पहले ही कई एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। नोवा मेडिकल। मेडिकल में इसका यूज़ होता है। दसवां, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। तो मेडिकल में इसका यूज़ होता है। प्रोफेशनल और मेडिकल स्टूडेंट्स ह्यूमन एनिमी के भीतरी डिटेल्स को क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। और आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में 3D एनिमेशन के साथ बहुत से कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर डिजाइन को पहले बनाया जा सकता है, जिससे यह पता चल सकता है कि वो डिज़ाइन सेट में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एनिमेशन कोर्स क्या है और एनिमेशन क्या है और एनिमेटर्स कितना कमाते हैं और एनिमेशन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक बात खास मैं बताना चाहता हूँ, अगर एनिमेशन में इंटरेस्ट है तभी आप इस कोर्स को चूज़ करें। तो ऐसी वीडियो को रोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।